मेरी घोड़ी खो गई थी। मैं बहुत परेशान था। 2 महीने बीत गए थे और अब उसकी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी आखिरी बार मैंने सोचा कि उसे जंगल में जाकर ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। और तभी वहां मेरी मुलाकात एक फकीर से हुई और एक आवाज सुनाई दी कि फिक्र मत कर, वो देख, वो दूर तेरी घोड़ी चल रही है, वो देख। तभी मैंने पास जाकर देखा कि मेरी घोड़ी वाकई में चल रही थी। मैं समझ गया कि कोई मामूली फकीर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा औलिया है। मैं उसके चरणों में गिर गया। मैंने कहा, चल बाबा चल, चल मेरे साथ मेरे गांव चल बाबा चल। तभी उसने कहा कि रुक, ठहर ठहर जा, पहले मुझे एक बार चिलम तो पी लेने दे, रुक जा। और तभी उसने अपना चिमटा जोर से जमीन पे मारा और बहुत सारी आग पैदा कर दी और उस आग से एक चिलम जलाई और उस चिलम का एक कश पीने के बाद मेरा दमा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। उस औलिया से मिलवा कर उस परवरदिगार ने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी। मैंने शादी के बाद हमेशा चाहा कि वो बाबा मेरे साथ चले, मेरे गांव चले, लेकिन वो तो शिरडी का हो गया था हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा।